नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। ठोक तंत्र के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की खबरों का और सक्षमता पास, जो शिक्षक हैं उनको विशिष्ट शिक्षक बनाने की प्रक्रिया में कौन सी रोड़े आ रहे हैं और आसान नहीं होगा विशिष्ट शिक्षक बनना सक्षमता पास, जो परीक्षा पास कर चुके हैं वैसे शिक्षक। अब तक कई लोगों के नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है और बिहार में अब तक 920 सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है और कौन से पेच आ रहे हैं और नियोजित शिक्षकों के सामने उनके नौकरी जाने में कौन से अहम भूमिका किरदार जो निभा रहा है, क्या उनके साथ परेशानी हो रही है, इस पर नजर डालेंगे। और अब तक किन जिलों में कितने लोगों का जो सर्टिफिकेट है वह संदेह के घेरे में है, इसको भी हम बताएंगे और कौन सी गलतियां नहीं करना है। और इसी के साथ हम इसमें शिक्षा और रोजगार से जुड़े भी तमाम तरह के अपडेट देंगे, कैसे कब एडमिशन होगा, कब किस चीज की परीक्षा होगी। तो पहले हम नजर डाल लेते हैं कि सक्षमता पास शिक्षकों के कागजातों की जाँच तेज है और कुछ जिलों से करीब कई शिक्षकों का, सैकड़ों शिक्षकों का नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। तो बिहार में 8 दिनों में कुल 1920 सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है। और इधर अगर हम बात करें तो अकेले जहानाबाद जिले में जांच के दौरान 49 शिक्षकों के कागजात संदेहास्पद पाए गए हैं, उनकी नौकरी पर खतरा है। हालांकि पूरी तरह से जांच होने के बाद भी आधिकारिक रूप से कुछ घोषणा किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी हम पता कर लें कि पटना जिले में अब तक 1920 और इधर शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है। पटना में काउंसलिंग की प्रक्रिया DRCC कार्यालय में चल रही है। शनिवार को 8वें दिन 250 सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग की गई है। अब जो सक्षमता पास शिक्षक, इन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए 15 अगस्त तक बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है नीतीश कुमार 15 अगस्त को कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और वहीं इस प्रक्रिया के, काउंसलिंग की प्रक्रिया की अगर बात करें तो मूल कागजात की जांच इसमें की जा रही है। और जिसमें पटना जिले की अगर बात करें तो 12 शिक्षकों के किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पर एक शिक्षक का OTP मिलान नहीं हो सका है जी। और इधर पटना जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी स्थापना राजकमल ने बताया कि 8 दिनों से सक्षमता परीक्षा पास 1900 से ज़्यादा शिक्षकों का 1900 से ज़्यादा शिक्षकों का जो है काउंसलिंग हो चुका है। इधर जहानाबाद में भी जांच चल रही है, जहां 49 शिक्षकों के कागजात संदेहास्पद पाए गए हैं। और हम बताते चले कि विभिन्न जिलों से जो खबरें निकल कर सामने आ रही है, कई शिक्षकों ने बताया है कि उनका जो सक्षमता की जो परीक्षा हुई थी उसका एडमिट कार्ड ही खो गया है। कई शिक्षक और बता रहे हैं कि उनका स्टेट जो पास किए थे स्टेट का ही पूरा रिजल्ट खो गया है। तो कई इस तरह के मामले हैं और कई मामले ऐसे हैं कि वो कागजात ही पूरी के पूरी फर्जी है। तो जो सक्षमता पास शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें इस अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक ये विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाएंगे तब तक इन्हें स्थानांतरण और पोस्टिंग का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब इधर हम नजर डाल लेते हैं कि शिक्षा और रोजगार के अन्य खबरों पर। तो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र पढ़ेंगे JNU के लाइब्रेरी की किताबें, इंस्टीट्यूशन सब्सक्रिप्शन लिया गया है। और EPBIT से भी ये MOU साइन और कई अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किसी पुस्तकालय की किताबें, पुस्तकालय में 2.5 लाख किताबें हैं, एक क्लिप पर रहेंगे मौजूद। और प्लेजरिज्म डिटेंशन सेंटर में थीसिस और रिसर्च पेपर की जांच की जा रही है। तो ये पटना यूनिवर्सिटी के लिए तोहफा है। और NEET PG आज है, इस बार नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से तय होगा अभ्यर्थियों का स्कोर। ऑनलाइन टेस्ट है, इस बार 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित होगी। 500 सेंटर चुने गए हैं, अभ्यर्थियों को सही समय पर एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। और
इधर मदरसा बोर्ड के फोकानिया मौलवी परीक्षा के लिए स्टेशन 31 अगस्त तक है और 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन करना है। बिहार मदरसा बोर्ड की ओर से 2025 में होने वाले फोकानिया यानी मैट्रिक और मौलवी यानी इंटर की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी गई है। 5 सितंबर से शुरू होगी कक्षाएं। PPU में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स के लिए 16 तक आवेदन का डेट है, दाखिला 24 तक होगा और 5 सितंबर से कक्षा शुरू हो जाएगा। और सरकारी स्कूलों के बच्चे JEE और नीट मॉक टेस्ट में कर रहे हैं बेहतर प्रदर्शन। 21 और 23 को नीट और JEE का होगा मॉक टेस्ट। तो JEE और नीट मॉक टेस्ट के लिए जिले के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जुलाई में आयोजित हुए मॉक टेस्ट में भारी संख्या में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और स्कूल स्तर पर चयनित होगी मौलिक विचार देने वाले बच्चे। सरकारी स्कूलों में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत स्कूल स्तर पर आइडियल कंपटीशन आयोजित किया जाएगा। बच्चों के आइडियल को प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर चयनित होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। बिहार बोर्ड मुफ्त कोचिंग में प्रवेश परीक्षा 20 को बिहार बोर्ड द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग JEE नीट संस्थान में प्रवेश के लिए 16 अगस्त को होने वाली प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा 20 अगस्त को होगी और परीक्षा सुबह 11 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। अब प्रवेश पत्र जो है परीक्षा समिति की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं पटना यूनिवर्सिटी में LLB एंट्रेंस संपन्न, कमरे में जैमर लगाए गए हैं। VC प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने केंद्र का किया दौरा। और इधर SKU SMG में पुस्तक प्रेमियों के लिए बुकिस्तान क्लब का हुआ है गठन। और इधर अगर बात करें तो TRE 3 BPSC TRE 3 का जो क्वेश्चन पेपर है और मार्कशीट है उसको 13 अगस्त तक अपलोड कर दिया जाएगा, जैसा विभागीय सूत्रों से खबर निकलकर सामने आई है। जैसा लेकिन बताया जा रहा है कि TRE 3 में सीटों को बढ़ाया गया है, कई मीडिया ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की जा सकी है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें शिक्षा और रोजगार से जुड़े हुए जिसे आपको जानना जरूरी था। और इसी तरह से खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और इस तरह की खबर चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हमें कुछ आइडिया मिल सके कि किस तरह की खबरों को और जानकारी आपको चाहिए। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को हम आपसे कहते हैं कि आप सलाह दीजिए ताकि आपके मन मुताबिक हम वीडियो बना सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।